अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं या रिसेल करते हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, फर्नीचर का सामान हो गया, पेपर हो गया, स्टॉक कोई भी सामान हो गया, तो अगर आपको जेम पोर्टल पर आपका स्वागत है। जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपको इस पर स्वागत है क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से जितने केंद्र के जो मेंबर होते हैं या कोई स्टेट के मेंबर होते हैं, ये जेम पोर्टल पर ही जाते हैं, अपना सामान को परचेज करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आप जेम पोर्टल पे अपना सामान को परचेज करेंगे और बेचेंगे। सोराज में इंजीनियर राजा, और मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप जेम पोर्टल पे ऑनलाइन होके और इस पर अकाउंट बना कर रजिस्ट्रेशन करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सामान को इस पर सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको अपने ब्राउजर में टाइपिंग करना होगा jam.gov.in। तो आपको ये देख रहे हैं जेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो ओपन होकर आ जाएगी। तो आप इन वेबसाइट को यहाँ से देख रहे हैं कि आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं उसकी आपको एक कैटलॉग बनानी होगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे कैटेगरी दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर की प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप यहाँ पे भी ऑल पर देख क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे सेलर ने कैटलॉग कैसी बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाके और भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी कैटलॉग बनानी है जिसमें आपको प्रोडक्ट की एक फ़ोटो, साथ ही डिटेल और प्राइस भी ऐड करना होगा। तो यहाँ से जाके इसकी ढेर सारी जो कैटेगरी है, ऐसे जो कैटेगरी इसको आप देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारा कैटेगरी जो अपडेट इसमें बराबर होते ही रहता है। गवर्नमेंट ई मार्केट का ये 4.0 है, नेक्स्ट टाइम में ये 3.0 था, तो इसमें हमेशा अपडेट ही होता ही रहता है। इसमें जो है 4.0 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। यहाँ पर इसे जाके देख सकते हो ऐसे करके कितनी सारी इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। इसमें ढेर सारा इम्प्रूवमेंट की गई है जो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलर आपको एक कैटेगरी भी सजेस्ट करने के लिए बोलता है, मतलब कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो नीचे जो देख रहे हैं इन कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप जो है सरकार को एक कैटेगरी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये कैटेगरी भी ऐड की जानी चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री यहाँ पर दो तरीक़ों से अपना जो प्रोडक्ट है परचेज करती है। या तो आप अपना जो यहाँ पर कैटलॉग बनाई हुई है और इसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और प्राइस दिया हुआ है, तो इसको देख के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस आपको कर सकते हैं, या सरकारी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ ऑन गोइंग बिड्स आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे वो बिड्स आ जाएगी जो अभी चल रही है। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट है या जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बिड क्रिएट कर देते हैं, और सेलर को इस बिड में पार्टिसिपेट करना होता है कि हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इतने प्राइस में। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो बिड्स को जो एक्सपायर हो रही है, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि CRPF को यहाँ पर देख रहे हैं कि 1666 यूनिट, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि पैकिंग फूड और सीड चाहिए, उसका जो है यहाँ फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप सीट का काम करते हैं तो यहाँ पार्टिसिपेट ना पे ओके करेंगे, तो इस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि मैं ये जो है सीट प्रोवाइड कर सकता हूँ। नीचे लेफ्ट साइड में एक बोर्ड है आस्क जैमी, यहाँ से आप अपना कोई भी एक क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई एम ए सेलर, तो सेलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेलर में क्या करना चाहते हैं, जैसे आई एम रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको जस्ट इसमें से कोई एक चूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पैन कार्ड और ITR रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखने फॉर सेकेंडरी सेलिंग के लिए। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेलिंग वाला पे, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आप एक सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर साइन अप पर आएंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ बायर और सेलर, अब सेलर वाले पर क्लिक करेंगे।
इसको यहाँ देख रहे हैं कि टर्म एंड कंटिन्यू कंडीशन पे है, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार इसको टर्म एंड कंडीशन जो है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे कि आपके बिजनेस किस टाइप का, प्रोप्राइटर है, फॉर्म है, कंपनी है, ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर रहता हूँ प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद अपने यहाँ पे अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कि इंजीनियर राजा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया इंजीनियर राजा कंप्यूटर स्टोर। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने आप को आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, तो इसमें से आपको दो चीज़ चूज करना होगा। आप पर्सनल पैन कार्ड चूज कर सकते हैं या आधार कार्ड चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पे जो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे डाल के यहाँ पे वेरीफाई आधार पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपने जो मोबाइल पे ओटीपी आया होगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दोनों पे आया होगा, तो आपको सिंपली जो भी है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से डाल दिया हूँ, तो जो अभी आधार कार्ड से लिंक है उस पे किया सेंड आया होगा। चलिए मेरा आ गया, मैं यहाँ वेरीफाई पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, आपका फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम सिंपली यहाँ पे आपका आ गया हुआ है। तो इस तरीके से आपके आधार कार्ड से आ गया, आपको जस्ट यहाँ पे आई कंफर्म पे ओके कर देना है, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डाल देनी है, और वैलिड ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा से कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके इसी ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी गया होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से 6 डिजिट का आपके जो मेल आईडी है उस पर आया होगा, तो यहाँ से सिंपली आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरे केस में यहाँ ओटीपी आ गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओटीपी आ गया है, तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओटीपी डालने का सिंपली यहाँ पर आपको सिर्फ वेरीफाई ओटीपी ओके कर देना है। आपका जो देख रहे हैं कि ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, यहाँ सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ सेव या नेवर के, चलिए मैं यहाँ पर नेवर कर देता हूँ। इसको यहाँ पे जेम पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप यहाँ से अपना जो यूज़र आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर डालिएगा, अगर यूजर हो अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो आपको दूसरा डालना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है। तो आपके पास जो है पासवर्ड में एक देख रहे हैं कि अपर केस, लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल करेक्टर, और देख रहे हैं कि 8 करेक्टर से 16 करेक्टर के मैक्सिमम 16 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो उस तरीके से चूज कर लेना। जैसे चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो एक आपको देना है कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, ठीक है। इसके बाद आपको देना है स्पेशल करेक्टर, इस पर कोई नंबर डाल देना है, आप जो है पासवर्ड सिंपली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो टाइपिंग करने के बाद दोबारा से यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, जो कन्फर्म हो जाए। इसके बाद यहाँ क्रिएट कंटिन्यू अकाउंट पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया हुआ है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उससे पासवर्ड सेव और नेवर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नेवर कर देता हूँ। जेम पोर्टल पर कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने पोर्टल पर, तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, जिसको यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जिसमें आपको पहले अपने पैन कार्ड को वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और पैन कार्ड पर जो भी नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई पैन पर ओके कर देना है। अगर यहाँ पे आपने प्रोप्राइटरशिप चूज की है, तो आप अपना यहाँ प्रॉपर जो है पैन कार्ड नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसको आप चूज करते हैं ITR फाइल करने में। लेकिन अगर आप कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी चूज किया हुआ है, तो आपको अपने कंपनी का पैन कार्ड यहाँ पे डालना होगा, और उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। पैन कार्ड देख रहे हैं सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे ग्रीन आइकन देख सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे कंपनी डिटेल देनी होगी, जिसके लिए हमको यहाँ कंपनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखा है मैंने इंजीनियर राजा कंप्यूटर स्टोर। तो यहाँ पे हमको डेट चूज कर लेना है कि मैंने कब स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 नवंबर 2020। आपने जिस डेट में भी इसको जो ओपन किया था उस डेट अपन यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से डाल कर आप यहाँ सेव कर देंगे। तो इस आप देख रहे हैं कि ये भी आपका सेव हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन आइकन आ चुका है। अब आपके यहाँ कंपनी प्रोफाइल डालना पड़ेगा, तो जो आपको यहाँ से कंपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा।
यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप स्टार्टअप है, अगर हाँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नो तो नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या आपने MSMEC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, अगर हाँ तो यस तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नो तो नो पर रहने देंगे। यहाँ पर MSME जैसे मतलब उद्योग आधार जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ, आप अब चाहे तो वहाँ से जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपको यहाँ पे यस पे ओके कर देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब कि मतलब सरकारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो बिड क्रिएट करते हैं, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे यस पे ओके रहने देंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं कि आपका यह भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्रीन आइकन आ चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफिस लोकेशन आपको देना होगा, तो इस तरीके से आप अपना ऑफिस लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमको यहाँ ऑफिस लोकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी, जिस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ऑफिस का नाम डाल दीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है पिन कोड। ये जो ऑफिस टाइप है ये हेड है, इसको नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए, जो भी पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ आपका स्टेट आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है। यहाँ जो है फ्लैट डोर ब्लॉक वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम ऑफ परमिशन बिल्डिंग और विलेज का नाम डाल देना है। यहाँ आपको डाल देना है रोड स्ट्रेट पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ एरिया लोकेलिटी का नाम डाल देना, जो भी आपका एरिया लोकेलिटी है तो आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। यहाँ पे एक आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो वही वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो उस पर ही कोई भी आपको कॉन्टैक्ट और इनवॉइस आपको सेंड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डाल देनी है ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को दोबारा से कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP ओके कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपको इसी पे ईमेल आईडी पे OTP सेंड किया जाएगा। ये जो आपको ईमेल आईडी है बिजनेस ईमेल आईडी बन जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे केस में एक OTP आ गया है। अब सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट होते ही आपको यहाँ वेरीफाई OTP ओके कर देना है। तो आप देखिए सिंपली आपका जो है ईमेल आईडी वो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर टिक लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ नो करेंगे, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, अब देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ सेव हो चुका है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि अब आपको बैंक डिटेल देनी होगी, तो बैंक डिटेल देने के लिए आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑफिस और एड्रेस का लोकेशन ऐड हो गई है। अगर आपका एक से ज़्यादा ऑफिस है तो यहाँ न्यू पर जाके इसको न्यू वाल पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा ऑफिस को ऐड कर सकते हैं और बाद में कभी इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और इसके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसको अब यहाँ से आपको बैंक डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि एड न्यू, यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पे जैसे HDFC का कोड डालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो भी एड्रेस वगैरह है यहाँ टोटल आ जाएगा, बैंक का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ जो बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म कर देना है, जो एक अकाउंट में जो आपका बैंक में अकाउंट में जो भी नेम है वो आपको नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इसको प्राइमरी अकाउंट बनाना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं बनाना चाहते तो सिंपली ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे, स्लिप पे करते ही आपका बैंक जो डिटेल है यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बैंक डिटेल पूरा सेव हो गया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा, जिसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई पे क्लिक करते यहाँ देखें PFMS जो वेरीफिकेशन जो है यहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि रिसीव हो चुका है वहाँ पे। तो इस तरीके से PFMS वेरीफिकेशन प्रोग्रेस में है, आपको कुछ वेट करना होगा। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका बिजनेस स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे आपको DIPP नंबर डालना होगा और यहाँ पे DIPP से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपका बिजनेस स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर नहीं है तो नोट ना पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहे तो स्टार्टअप इंडिया में अपने बिजनेस को यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर देख रहे हैं। इस पे एक नया वीडियो आ जाएगा, यहाँ पर टर्म वाले पे आप क्लिक करेंगे कि आई एग्री।
इस तरीके से इसको कंसेंट देंगे और इस तरीके से हमको इसको सेव कर देना है। यहाँ बोल रहा है कि आप यहाँ जो भी है तो इसको सिंपली ओके कर देना है। अब देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुली यहाँ जो है स्टार्टअप यहाँ सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 100% मैंने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि आप अभी जो है एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लिक करते ही आपका ये जो आपका ये डैशबोर्ड ये ओपन होकर आ जाएगा। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन शो होगी जितनी भी बिट से क्रिएट किया गया ये सरकारी डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री के तरफ से। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट बिट में शो होती रहेगी। यहाँ से जाके ऑर्डर एंड पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऑर्डर पर देख सकते हैं कि आपको कितने ऑर्डर मिले हैं और यहीं पे आपको मिलेगा कि जितना पेमेंट किया गया है वो भी यहीं पे आपको शो होगा। तो आप इसमें जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए हैं आपका पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका कैटलॉग ही है। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप ऐड कर जो चलाते हैं यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया हुआ है। तो जैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस यहाँ पे ऐड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ बिट्स भी शो होगी और इसी तरीके से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्नीचर का सामान जो है सेल करते हैं तो फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी बिट्स होगी वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगी और आप उसमें बहुत ही आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अगर आपकी बिट्स पसंद आ गई तो वो आपको टेंडर भी दे सकते हैं। तो गाइस आपने जाना किस तरीके से आप जेम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना जो सामान है उसको आप बहुत ही आसानी से आप सेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।